भीखमपुर में अवैध मकानों की ध्वस्तीकरण के मामले में सैकड़ों पीड़ित सपा कार्यालय पहुंची। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ितों का कहना है कि सरकार उन्हीं मकान के नाम पर केवल आश्वासन दे रही है। बता दें कि भीखमपुर में मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। पीड़ितों का कहना है कि हमारे चार चार मंजिल के मकान तोड़ दिए गए हैं, लेकिन हमें मकान के नाम पर सरकार केवल आश्वासन दे रही है। आश्वासन ये मिला है कि माननीय जी लोगों ने कि इस परिवार के साथ समाजवादी परिवार इनके साथ खड़ी है, और अदर अब इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा अगर सही से इन लोगों को मकान नहीं जाएगा। जो इन लोगों को सरकार के द्वारा जुमलाबंदी करके उस दिन घर को तोड़ दिया गया, घर से सामान हटाकर ये कहा गया कि प्रधानमंत्री योजना के तहत आपको मकान दिया जाएगा, लेकिन अब जब ये लोग जा रहे हैं तो उनको यहाँ पर सिर्फ चाबी दिखाकर फोटो लेकर खींचकर इन लोगों को वहाँ से भी हटा दिया गया है और इन लोगों को मकान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अभी और बात करने पर उन लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपया अभी पहले रजिस्ट्रेशन का दीजिए, फिर 5,000 रुपया अपना बिजली का कनेक्शन के लिए दीजिए, फिर आपको ना हमने किस्त में बांधेंगे तब इनको ये मकान देंगे। इनका घर भी तोड़ लिया गया और इनको मकान के लिए अब खुद को सरकार से ये मकान खरीदे। आपके कहने के अनुसार इनका घर तोड़ दिया गया लेकिन इनको उसका कोई मुआवजा नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला, जा रहे थे उसके पैसे मांगे जा रहे हैं।